राहुल वैद्या को एक चीज चुभती है कि उसको भगोड़ा क्यों कहा जा रहा है, उसको क्यों कहा जा रहा है ऐसा वैसा कि भाग गया था शो से बीच में, और सलमान सर ने 10 बार इस बात को बोल करके प्रूव करना चाहा कि वो भगोड़ा था और वो भाग गया था। सॉरी, मैं इस चीज से थोड़ा सा एक्सक्यूज रखता हूं कि जब आप ये कह रहे हो कि शो खत्म होने वाला है, शो का फिनाले चल रहा है और शो अपने अंतिम पड़ाव पर है, टॉप 4 बच गए हैं, और वहां पर अगर कोई आदमी क्विट होते हुए अपनी फैमिली का रीजन दे रहा है कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं, सलमान सर ने कहा वो परिवार से नहीं, वो बाहर किसी और से मिलना चाहता था, और उसकी बात और हमारी बात के बीच में 14 घंटे का शूट होता है, कम से कम 8 घंटे का मिनिमम मान लो 6-10-12 घंटे का शूट होता है, उन 10-12 घंटों में कौन सी क्लिप आपको दिखी, कौन सी नहीं दिखी, कौन सी सामने आई, कौन सी नहीं आई, ये सब कुछ मेकर्स पर डिपेंड करता है। तो राहुल वैद्या अगर शो के अंदर चाहे गर्लफ्रेंड की वजह से गया, चाहे वो अपनी मदर की वजह से गया, किसी भी रीजन से अगर वो गया, वो महान है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इतने बड़े मंच को छोड़कर अपने दिल की एक आवाज सुन करके वहां से जाने की कर रहा है, और वो अपनी चाहे गर्लफ्रेंड से चाहे अपनी माँ से मिलना चाह रहा है और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो मेरी नजर में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा वैल्यू रखती है। सलमान सर ने एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर जेल में होते तो क्या रोके कह देते, जेल में भी कई कैदी रोकर के अपनी माँ बहन रिश्तेदार और लोगों को याद करते होंगे, मगर वो वहां से जा नहीं सकते, लेकिन यहां से वो जा सकता था। हाँ, यहां उसकी गलती है कि उसने शो में वापस आना चाहा क्योंकि उसके फैंस उसको प्यार करते हैं, इस वजह से क्योंकि उसको लगा कि मेरी इज्जत है, इस शो के अंदर मैं और कुछ भी पा सकता हूं, इसीलिए वो अंदर आ गया। अब आप उसके साथ कुछ भी कहकर के अगर कुछ कहो तो दैट रेस्ट टोटली डिपेंड टू यू, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी लड़के को अपने परिवार की याद सताती है, वो किसी शो को क्विट करता है, तो लोग उसको किसी भी नजर से देखें, चाहे जज करें, लेकिन ये उसका एक इंडिविजुअल डिसीजन है और मैं इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करता हूं।